Assalamualaikum. Welcome to Pardesi Family. Hosan dosto sab theek thaak rehiyat to hum na abhi aapko pata hai Madinah Shiv mein maujood hain to aaj hum na hum teeno Arman main aur Dayan hum aap prom banaye ki hamara khwab utna mood banaye ki bahar jaye kyunki ab hamare paas 2 din reh gaye hain saudia mein to ab na hum na bahar aaye hain ye aapko na ek park dikhate hain ye park na Madinah Shiv mein hai aur kafi bada park hai kya naam hai park ka king fahad park acha king fahad park theek hai inka ek badshah hai fahad king fahad park uske naam pe hai to ye kafi bada park hai to ye na kafi achhi location hai agar aap isha ki namaz ke baad bachon ke sath thoda bahut relax aaram karne aana chahte hain udhar unke khilone bane hain ye piche dekha hai jagah khelne ki ya dekhe jagah bani hai khelne ki ये ना रात के ना ये तकरीबन अब 11 हो गए यहाँ से भी ज़्यादा टाइम हो गया वो देखें बच्चे खेल रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे ना अब आपको ना इधर ये कुछ रेस्टोरेंट मिलेंगे बहुत ही खूबसूरत अच्छा मॉल बना हुआ है और साथ में ना आपको बाइकर से और साथ में ना आपको ना ये एक ना फन पार्क भी मिलेगा ये हमारे एक फन पार्क है वो भी आपको ना बाद में ना दिखाते हैं तो चलिए अभी ना ये जो सामने रेस्टोरेंट है उधर जाते हैं तो अभी हमने ना जो आपका जो एरिया बना था ना थोड़ा बहुत खाने का रेस्टोरेंट वो आपके दूर से दिखाई क्योंकि काफ़ी लेडीज थी इसलिए हमने ना ज़्यादा देवदनी मूवी बनाई तो अभी हमने ना उधर से ना कुछ खाने के लिए लिया है गर्मी आपको पता है सोडिया में बहुत ज़्यादा है तो हमने ना आइसक्रीम ली है आइसक्रीम साथ में कुछ पीने के लिए लिया है पानी तो चेक करो बताओ कैसी है पहली दफ़ा इसमें आइसक्रीम पहली दफ़ा ये ओरियो ना सोडिया में खाने लगा पानी बहुत टेस्टी है मज़े का पानी था कसम से क्योंकि कई पानी मिलते हैं अच्छे नहीं होते लेकिन ये वहाँ बहुत ही ज़बरदस्त था सही ठंड लगता है बताओ बहुत अच्छी है मुझे तो बहुत पसंद है तो फिर ना आपको ना हम ना ये आगे दिखाएंगे दिखाओ ये पार्क ये फनलैंड आपको ना फिर आइसक्रीम आप आराम से खाते हैं फिर आपको ना आगे दिखाते हैं पार्क तो ये ना हम ये फनलैंड की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अभी ना काफ़ी देर हो गई है तो ना हम बस ना आपको बाहर से दिखा देते हैं कि कैसे कैसे झूले लगे हुए हैं क्योंकि ये तकरीबन 12 का टाइम हो रहा है और अभी ना कोई फ़ायदा नहीं है क्या लेकिन बाहर से आप ना देख लें झूले ये हैं ये हमारे दो जाने हैं तो ये पार्क की ना एंट्री 15 रियाल है तो अभी सही बात है हम ना ये आहिस्ता आहिस्ता वापस जाएं तो कोई फ़ायदा नहीं है तो ये ना छोटे बच्चों के साथ अगर मैं अली या रयान के साथ आया तो फिर ज़रूर जाऊंगा क्योंकि फिर फ़ायदा है लेकिन थोड़ा ना मसलन 10 बजे के से पहले आना चाहिए 10 ईशा की नमाज पढ़ के ट्रैक आ जाए तो पहले देखिए ये खजूर के दरख्त बहुत ही प्यारे हैं और इधर भी ना पहले बैक साइड दिखाई थी ये इधर से भी देखिए फैमिली बैठे हुए हैं माहौल बना हुआ है बच्चे खेल रहे हैं काफ़ी ज़बरदस्त जगह है तो हर जगह पे ना इन्होंने बैठने का खाने पीने का इंतज़ाम किया हुआ है तो बस ये आपको ना थोड़ा बहुत दिखा दिया पार्क क्योंकि शाम का वक्त है तो बस इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे ये देखिए लोग आराम से पिकनिक कर रहे हैं खाना ले के हैं ये इधर से लेते हैं ये इधर सारा कैफे ठीक है खाने पीने के लिए हर एक चीज़ आपको ना इधर मिल जाती है तो काफ़ी बड़ा पार्क था हमने ना तकरीबन छोटा सा राउंड किया है देख रहे हैं क्योंकि
छोटे बच्चे उनकी तबीयत नहीं थी सेट, तो फिर बस हम बड़े आए हैं देखने के लिए। अगर टाइम मिला तो शायद बच्चों को ना ले आऊँ इधर, क्योंकि ये जो फन लैंड है मुझे अच्छा लगा था, बच्चों के लिए काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो अगर आपको आपने देख लिया माहौल, फ्री है, सस्ता है, टैक्सी के साथ आप ना आएँ। ये टैक्सी ना तकरीबन 20 रियाल लेती है हरम से, वही मतलब मस्जिद नबी से ना इधर आने के लिए तकरीबन 20-25 रियाल लेती है, इसके मतलब ठीक है। उसके बाद अपना खाना ले आएँ या जैसे भी आपने करना है करें, तो काफ़ी अच्छी जगह है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी नहीं भूलिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।